बीजेपी विधायक गणेश नाइक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आज थाने सेशन कोर्ट ने कथित रेप केस में दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए गणेश नाइक को जमानत देने से इनकार कर दिया। दीपा चौहान नामक एक महिला ने उन पर रेप का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल गणेश नाइक को अब जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। आज थाने सेशन कोर्ट ने गणेश नाइक के खिलाफ रेप केस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने पीड़ित को जहां राहत दी, वहीं गणेश नाइक को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। गणेश नाइक के खिलाफ दीपा चौहान नामक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। 27 अप्रैल को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर चुके सत्र न्यायालय ने आज अपने अंतिम फैसले में पीड़ित को राहत देते हुए विधायक गणेश नाइक की जमानत अपील खारिज कर दी। सत्र न्यायालय के इस फैसले के बाद अब गणेश नाइक के लिए हाई कोर्ट ही अगला फैसला है। फिलहाल बीजेपी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पीड़ित महिला की मांग से पहले गणेश नाइक की ओर से डीएनए की जांच सिफारिश की गई है। फिलहाल सेशन कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन ऑर्डर का इंतजार है जो सोमवार को जारी होने वाला है। सुनावनी मध्ये डायरेक्ट बोथ बेल एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड आणि सीइंग द सोशल स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज ही कैन इजीली इन्फ्लुएंस दैट्स द मेन रीजन व्हाय मीन्स वन ऑफ द रीजन ऑफ रिजेक्शन। सेकेंडली जेव्हा दोन्ही ॲप्लिकेशन्स फेटाळल्या गेल्या त्यांनी इंटरिम मागितली की 7 दिवस पाहिजे आम्हाला हायकोर्टमध्ये अप्रोच करायला, पण तसली कसली प्रोव्हिजन्सच नाही आहे। ही जी मॅडमची फाईट आहे, इट इज फॉर हर जस्टिस फॉर हर सन आणि फार आणि हे एक सोशल इम्पॅक्ट सोसायटीवर येणार आहे, या गोष्टीचं एक एक्झाम्पल म्हणून येणार आहे। दॅट इज द मेन रिझन वाय वी डोंट वॉन्ट की जे मेन मुद्दे आहेत ते साईडलाईन व्हावे। दॅट्स वाय वी आर नॉट वॉन्टिंग टू कमिट ऑन एनिथिंग बियॉन्ड आवर केस। गौरतलब है की पूर्व मंत्री गणेश नाइक के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली महिला अपने बेटे के लिए नाम और संपत्ति की मांग कर रही है, जिसे लेकर उन पर ब्लैकमेलिंग और एक बड़े नेता को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।